हम आपको दिखाने जा रहे हैं इन चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक इंटरव्यू। न्यूज नेशन ने आज बात करी है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से, तमाम मुद्दों पर उनसे बात की गई। ये बात मैंने और मेरे सहयोगी अजय कुमार ने की है, ये बात हमने पंजाब के खन्ना मंडी में की। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और उन्होंने किस सवाल पर क्या जवाब दिया, किस बात पर थोड़े से नाराज हो गए, ये देखिए इस खास इंटरव्यू में। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ये मानते हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव दरअसल देश की दिशा और दशा बदलने का चुनाव है, एक ऐसा चुनाव जो विचारधारा को सामने रखने वाला चुनाव है। राहुल जी, आप न्यूज नेशन पर हैं, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इस साक्षात्कार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक और मैं आपके सामने सवाल पूछ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप देश की विचारधारा को बदलना चाहते हैं, आप देश को एक नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन क्या ये दिशा सत्ता परिवर्तन के साथ ही हो सकती है, क्योंकि वो तो एक राजनेता का धर्म है, लेकिन आप अपने आप को एक जननेता के तौर पर सामने रखते हैं। नहीं, मैं देश की विचारधारा को बदलना नहीं चाहता हूँ। जो देश की विचारधारा है जी, उसके बेसिस पर सरकार हम बनाना चाहते हैं। देश की विचारधारा प्यार की, भाईचारे की विचारधारा है, सब लोगों को एक साथ ले जाने की विचारधारा है, न्याय की विचारधारा है, उस बेसिस पे हम सरकार चलाना चाहते हैं। पिछले 5 सालों में मोदी जी ने सरकार चलाई, एक व्यक्ति ने सरकार चलाई बिना किसी से किसी की बात सुने। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, किसी से नहीं पूछा। आप इमेजिन करिए, 500,000 रुपए का नोट हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया, 500,000 रुपए के नोट को ख़त्म कर दिया और किसी से नहीं पूछा। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इतनी स्किल्स हैं, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनसे नहीं पूछा। RBI गवर्नर को नहीं मालूम, कर दिया। तो हम हिंदुस्तान की जो आवाज़ है उसको सुनकर सरकार चलाना चाहते हैं। एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो मोदी जी तो बार बार ये कहते हैं कि आपके परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने तभी तमाम संस्थानों को शुरू से ही ध्वस्त कर रखा था, वो तो बचा रहे। नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी ने कभी भी RBI की बात नहीं सुनी, कभी भी RBI को परे नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आके कभी नहीं कहे कि भाई हमें कोई ना कोई शक्ति काम नहीं करने दे रही है। कौन सी शक्ति थी वो, किसका नाम लिया, जज लॉयर का नाम लिया? तो शक्ति तो क्लियर है, शक्ति नरेंद्र मोदी थे। प्लानिंग कमीशन को नष्ट किया, इलेक्शन कमीशन पर आक्रमण किया, RBI पर आक्रमण किया, कांग्रेस ने ऐसे कभी नहीं किया। राहुल जी, प्रियंका जी ने अपने दिल्ली के रोड शो में कांग्रेस अगर करना भी चाहे जी, नहीं कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस का जो सिस्टम है जी, वो RSS के डिजाइन का नहीं है। कांग्रेस का सिस्टम कंट्रोल का नहीं है, कांग्रेस का सिस्टम काफी केओटिक है। तो कांग्रेस सुनती है और सुनकर काम करती है, RSS बोलती है, RSS प्रचार का इंस्ट्रूमेंट है, RSS सोचती नहीं है, RSS बस बोलती है। तो RSS थोपती है, आप ये कह रहे हैं? RSS बोलती है, RSS इज एम्पलीफायर, उनकी आइडियोलॉजी का एम्पलीफायर है। हमारी आइडियोलॉजी हिंदुस्तान को सुनकर बनती है। हमारी पार्टी ने बैंक नेशनलाइजेशन किया, उसको आप लेफ्ट ऑफ सेंटर कह सकते हैं। उसी पार्टी ने 10-15 साल बाद लिबरलाइजेशन किया, उसको आप राइट ऑफ सेंटर कह सकते हैं। उसी पार्टी ने मनरेगा दिया, उसी पार्टी ने GST की बात की। तो कांग्रेस पार्टी प्रैग्मेटिकली सुनकर काम करती है, जो देश कह रहा है उसको, उसका इस्तेमाल करके सरकार को चलाती है। हमारे पास कोई फिक्स्ड आर्किटेक्चर नहीं है। नहीं, लाइन ऑफ थॉट है, हमारा लाइन ऑफ थॉट यह है कि हिंदुस्तान की आवाज को सुनकर सरकार चलानी चाहिए। राहुल जी, जो मुद्दा मगर कोई है, कोई जैसे सेंट्रल रिजिड आइडियोलॉजी वो नहीं। अगर हमें लगता है कि हिंदुस्तान के किसान चाहते हैं कि उनकी मदद करनी है तो हम करते हैं। आपका तो यानी रिजिडिटी के आप खिलाफ है, आप हम किसी नहीं, भी हम हिंदुस्तान की आवाज, को नहीं, 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 हम हिंदुस्तान की आवाज को दबाने के खिलाफ है। जब आप RSS जैसा संगठन हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण करता है,
जब नरेंद्र मोदी जी ने आरबीआई के गवर्नर से बिना पूछे 500 और 1000 रुपए का नोट रद्द किया, उन्होंने हिंदुस्तान की आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाज़ ने कहा है कि फाइनेंशियल मामलों में हम इस इंस्टीट्यूशन को अपना एडवाइज़र बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने उनको परे कर दिया। कांग्रेस पार्टी ऐसे कभी नहीं करती, और कांग्रेस पार्टी ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़रूरी लड़ाई, सबसे ज़रूरी इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट, किसकी लड़ाई? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जो हम लड़े, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, देश की जनता ने की आवाज नहीं दिया, मगर कांग्रेस पार्टी ने। दीपक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रियंका जी ने दिल्ली के रोड शो में कहा था कि जीएसटी और नोटबंदी पर अब के चुनाव हो जाए, दो दौर के चुनाव हो जाए, जिसमें एक चुनाव तो हो चुका है, एक अभी बाकी है 19 तारीख को। हमने न्यूज नेशन ने यह सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा था जब उनका इंटरव्यू किया था दो दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि नोटबंदी पर चुनाव तो उत्तर प्रदेश के दौरान हो चुका, और आपने 3/4 मेजॉरिटी के साथ हमने चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर चुनाव गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और सूरत में काफ़ी प्रचार हुआ, लेकिन उसके बाद भी सूरत की सभी सीटें हमने जीती, और अब 5 साल के कामकाज पर चुनाव हो रहा है। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोटशीट पे था, वो जो कागज़ था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? राहुल जी, नोटशीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी, वो तो कविता लिखी हुई थी, मगर जो उनकी नोटशीट थी, जो उनके हाथ, मतलब उन्होंने लिखा था, जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है। कविता थी मगर उस पर क्वेश्चंस भी थे। मेरा कहना है कि ये जो इनकी उनका रिप्लाई है, ये नोटशीट पर था या ये मेमोरी से आया? सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की आवाज़ बेरोजगारी की बात कर रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है, किसानों की हालत की बात कर रही है, और जो आक्रमण नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी पे किया, गब्बर सिंह टैक्स पे किया, उसकी बात कर रही है। और 23 तारीख को पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, पता लग जाएगा किन चीज़ों पर मुद्दा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, वो तो क्लियर है। चूंकि आपने न्यूज नेशन के इंटरव्यू की बात की है राहुल जी, इसलिए मैं एक बात साफ कर दूं कि जो पूरा इंटरव्यू हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी ने किसी भी नोटपैड को अपने रेफरेंस के तौर पर नहीं लिया था, चूंकि ये बात उठी है। तो आप, और दूसरी बात, आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं, इसको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, नहीं अगर आपको डर लगा, बिल्कुल नहीं, मैं परमिशन दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि सर्वे सर्वा से पूछो, आपका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सर्वे सर्वा से पूछो कि क्या उनके परिवार ने देश पर इमरजेंसी नहीं लगाई थी, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके परिवार ने, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, और इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल माना कि इमरजेंसी गलत थी, और मैं भी यहाँ कहता हूँ कि इमरजेंसी गलती थी। और बताइए, एक और उनका आरोप है, वो ये कहते हैं कि सर्वे सर्वा से ये पूछो कि घोषणा पत्र क्या होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो घोषणा होती है वो घोषणा पत्र में होता है। उनका ये आरोप अपने आप में सही, क्योंकि उनका ये कहना है कि आप जनता को मूर्ख बनाते हैं, आप दिव्य सपने दिखाते हैं, आप बस जो नरेंद्र मोदी के दिल में है वो कह देते हैं, वो जनता को मूर्ख बनाते हैं वो कह देते हैं। देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो बना है, डू यू हैव अ कॉपी ऑफ द मैनिफेस्टो? जी, हमने देखा, बहुत बेहतरीन, खास करके जब वो आपने उसमें जो तमाम लोगों के सामने आपने बात उठाई मैनिफेस्टो की, तो मैं दिखाता हूं। हमारे मैनिफेस्टो पे देखिए, ये जनता है, और ये मेरी से छोटी फोटो है, कांग्रेस पार्टी की छोटा सा सिंबल है। नरेंद्र मोदी जी के मैनिफेस्टो पे नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना बड़ा है, ये फिलॉसफी है। इसमें हमने जनता से पूछकर, जो भी इसमें आया है जनता से पूछकर आया है, चाहे वो किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, न्याय योजना 3,60,000 रुपये 5 साल में, 72,000 रुपये साल में, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का झूठ बोला, नरेंद्र मोदी जी से पूछिए 15 लाख का क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी से पूछिए 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देने का क्या हुआ, किसानों को सही दाम देने का क्या हुआ। और नरेंद्र मोदी से आप कह दीजिए, एक बार फिर इंटरव्यू हो तो उनसे कह दीजिए कि मेरे साथ आके राफेल पे डिबेट कर ले, 15 मिनट डिबेट कर ले मुझसे, मैं बता रहा हूँ, किताब लानी पड़ेगी। किताब नहीं, सुनो, आप कह रहे हो कि कागज में कुछ नहीं लिखा था, किताब लानी पड़ेगी। और किताब लाने के बाद जी, मैंने जो 4 सवाल पूछने हैं, और मैं आपको बता देता हूं जी, नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। और एक बात मत भूलिए, इंक्वायरी होगी, कोई नहीं बचेगा, 2 नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी,
क्योंकि चौकीदार चोर है। राहुल जी, आप इंक्वायरी की बात करते हैं, आपके पहले नहीं बताइए, एक बार बताइए जी, नरेंद्र मोदी मुझसे डिबेट करने में क्यों घबरा रहे हैं? नरेंद्र मोदी, मैंने उनसे कहा, वो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है, मैंने कहा आइए भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप जो कहना है कहो, मैं 15 मिनट, मैं 16 नहीं लूंगा, आप 1 घंटा बोलो, मैं 16 मिनट नहीं लूंगा, 15 लूंगा, मैं राफेल के 4 सवाल पूछूंगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उनको कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में हवाई जहाज नहीं बनना चाहिए। बेरोजगारी आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में हवाई जहाज नहीं बनेगा। HAL 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, मिग हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, जैगवार हवाई जहाज, सबके सब जी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि HAL को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, फ्रांस राष्ट्रपति से कहते हैं कि 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ में खरीदा जाएगा। हिंदू अखबार में आता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे कह रहे हैं, जिसको बीजेपी के लोगों ने ऑफिशियल माना है, उस पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं पैरेलल नेगोशिएशन किया है। राहुल जी, परिकर जी कहते हैं, रक्षा मंत्री जी का जी, परिकर जी कहते हैं कि मुझसे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पूछा गया, एक कॉन्ट्रैक्ट था पुराना वाला HAL वाला, उसके बारे में मुझसे पूछना है, पूछ लो, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है 1600 करोड़ रुपए वाला, उसके बारे में मुझसे मत पूछो, उसके बारे में आप सिर्फ नरेंद्र मोदी देश के चौकीदार से पूछो, बुला लीजिए उनको और मैं ओपन बुक दे देता हूँ। बट आप दोनों ने संसद भवन में आप दोनों ने एक दूसरे के सामने सामने बातें रखी हैं, तो दीजिए, हाँ दीजिए, आप एडिट करना चाहते हैं कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल एडिट नहीं होगा, मैं आपको वादा गारंटी देता हूँ, एडिट होगा, मैं वादा गारंटी देता हूँ, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ कि अगर इसे एक सेकंड भी एडिट होगा, न्यूज ने एक सेकंड भी एडिट होगा, मुझे लगता है मुझे मुझ पे सीधा आरोप है, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड भी एडिट होगा, डर तो होता है, कोई डर नहीं है। न्यूज नेशन बतौर चैनल एक निष्पक्ष चैनल है और हम अपने निष्पक्षता पर गर्व करते हैं। चलिए बताइए राफेल की, और सबकी आवाज रखते हैं और सभी से सवाल पूछते हैं। मेरा सिंपल सा सवाल है, आपने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया, आप बहस की बात करते रहे, आपने हर बार हर मंच से इस बात को कहा है, कोई पहली बार आप नहीं कह रहे हैं। निर्मला सीतारमन जी, प्रधानमंत्री जी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं अपने अंदाज में, बीच में मामला कहां है? निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी निगरानी कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये काम है देखना कि जल्द से जल्द हवाई जहाज मिले। प्रधानमंत्री जी अपने हिसाब से अपनी दलीलें सामने रखते हैं, आप अपनी दलील सामने रख रहे हैं, दरअसल हम सब समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला कहाँ है, जांच तो होनी चाहिए ना, और क्या, तो ये तो हम पूछ रहे हैं, कैसे कराएंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ भैया, आप बताइए, देश के जो चौकीदार हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, नरेंद्र मोदी जी इंक्वायरी कराने से क्यों डर रहे हैं? इंक्वायरी करने से क्यों डर रहे हैं? मेरी बात छोड़ो, नरेंद्र मोदी जी की बात छोड़ो, अगर नरेंद्र मोदी ने चोरी नहीं की होती तो नरेंद्र मोदी कहते 5 मिनट में मैं इंक्वायरी करा रहा हूं, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है, मगर नरेंद्र मोदी 3 साल से ना मेरे साथ डिबेट करेंगे ना इंक्वायरी कराएंगे, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है। राहुल जी, बड़ा सवाल ये है कि राफेल पर आपने आरोप लगाए हैं, सवाल ये है कि अगर आप सत्ता में आते हैं या बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी सत्ता में आती है तो क्या राफेल का कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएट होगा या फिर आप ऑफसेट पार्टनर को बदलने के लिए कहेंगे? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, विंडिक्टिवनेस नहीं होगी, विच हंट नहीं होगा, मगर दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में है, और हिंदुस्तान की एयरफोर्स का फ्यूचर की बात है, इंक्वायरी होगी, और जिसने भी कानून तोड़ा है पनिशमेंट होगी, न्याय से कोई नहीं बचेगा। तो फिर अगर इसमें गलत हुआ है तो फिर आप ओपनली क्यों नहीं कहते कि इसको रद्द किया जाएगा या इसको रीनिगोशिएट किया जाएगा, क्योंकि आप क्योंकि मानते मैं, हैं क्योंकि क्योंकि मैं, आप मानते मैं, हैं कि एक्सचेकर को नुकसान हुआ है। मैं डिटेल्स, आज मैं ऑपोजिशन का लीडर हूं, मुझे डिटेल्स नहीं मालूम, रद्द करने से पहले एयरफोर्स के लोगों को पूछना पड़ेगा, जो लोग इन बातों को समझते हैं उनसे पूछना पड़ेगा, तो वैसी स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और प्रधानमंत्री जो देश के चौकीदार कहते हैं अपने आप को, उनको पहले दिन ही इंक्वायरी करा देनी थी, मगर वो इंक्वायरी नहीं करा रहे हैं,
पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने डेढ़ घंटा जवाब दिया, और कभी वो यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, यूं 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 यूं, आंख में आंख नहीं मिला पाए। वो तो सबने देखा ये सवाल, ठीक है, वो सबने देखा। और जब मैं वहां से निकला पार्लियामेंट हाउस में, जो लोग काम करते हैं उन्होंने कहा, बोला मुझे, राहुल जी आपने चोरी पकड़ ली। राहुल जी, मामला सब जूडियस है, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो सवाल ये होता है कि ऐसे में इंक्वायरी कैसे हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मामला चल रहा है और सब जूडियस। सुप्रीम कोर्ट का जो आप इशू बोल रहे हो, वो सुप्रीम कोर्ट से मैंने अपोलॉजी मांगी, क्योंकि जो सब जूडियस जो उनकी जो प्रोसेस चल रही है उसको मैंने डायरेक्शन दे दिया। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है, तो उसके लिए मैंने अपोलॉजी मांगी। बट राफेल में चोरी हुई है उसके बारे में मैंने अपोलॉजी नहीं मांगी। राफेल में चोरी हुई है 100% नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी ने की है। राहुल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उसके साथ साथ ये बयान प्रधानमंत्री जी के सामने आया कि आप ने हिंदुओं के साथ आतंकवाद शब्द जोड़ा, आपकी पार्टी ने जोड़ा। आतंकवाद शब्द को किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता जी, मेरा धर्म में और आतंकवाद में मतलब बिल्कुल अलग चीजें हैं। लेकिन जो आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नहीं की आपने, नहीं की, लेकिन सुशील कुमार शिंदे जी ने बोला था कि आरएसएस और बीजेपी के लोग, जयपुर के अधिवेशन में जहां आप वाइस प्रेसिडेंट बने थे वहां पर इस तरह की बात आई थी सुशील कुमार शिंदे जी ने। बिल्कुल गलत बात है, उनकी बात को गलत मान रहे हैं। बिल्कुल गलत है, कोई भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये कहने लगे जब आपने वायनाड का चुनाव किया कि आप हिंदू बहुल क्षेत्र से अपने आप को निकाल कर एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या वाकई में आपके ऊपर? मगर मैं अमेठी से नहीं लड़ रहा हूं क्या? वही तो मैं आपसे अमेठी से लड़ रहा हूं ना, तो ये आरोप क्यों? लास्ट मैंने चेक किया, अमेठी से लड़ा मैं चुनाव। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स ने साउथ इंडिया को, जो तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, इन स्टेट्स को इंप्रेशन दिया कि तुम्हारी हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, देश नागपुर से चलेगा, चेन्नई से कुछ लेना देना नहीं। तो साउथ इंडिया को मैसेज देने के लिए, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इनको मैसेज देने के लिए मैंने कहा कि मैं दो चुनाव लड़ूंगा, एक अमेठी से, एक वायनाड से। राहुल जी, हम पंजाब में हैं और एक मुद्दा हाल ही के अंदर आया था जो कि 1984 सिख राइट से रिलेटेड था, जिसमें सैम पित्रोदय जी का बयान आया, हुआ सो हुआ। इस बारे में आपका क्या मानना हुआ है? हुआ सो हुआ, बिल्कुल नहीं, न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने गलत काम किया उनको सजा होनी चाहिए। और मैंने सैम पित्रोदय से क्लियरली बोला है, सैम पित्रोदय जी आपने गलत बोला है, आप माफी मांगिए, आप अपोलोजाइज कीजिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। आप जो दूसरा मैंने आपने स्टेज से देखा होगा, मैं नहीं बोला। अच्छा भैया, आप आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे निकलना है। एक आखिरी सवाल दीपक, एक-एक आखिरी सवाल, एक-एक आखिरी सवाल, पहले दीपक पूछ रहे हैं जी। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 1984 के जो सिख राइट्स थे वो ऑर्गेनाइज राइट्स थे और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, तो क्या 1984 सिख राइट्स के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी? देखिए, मैंने बोला 84 जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, और जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जिन्होंने भी हिंसा की, जिन्होंने भी लोगों को चोट पहुंचाई, मारा, उनकी पनिशमेंट होनी चाहिए, उनकी जो भी कानून लागू होना चाहिए होना चाहिए जी। राहुल जी, मेरा आखिरी सवाल थोड़ा हल्के नोट पर है। पार्लियामेंट में हम सबों ने वो तस्वीर देखी जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलने गए, और उसके बाद लोकसभा के कैमरे ने आपके विंक को भी कैप्चर किया था, और उसके बाद वो प्रिया वायनाड के विंक को आपके विंक के साथ मिलाकर सामने रखा गया। वो प्रकरण क्या था और आपको क्या प्रोत्साहित कर गया कि आप आगे बढ़े? और आपने आमतौर पर संसद में ये सब नहीं होता, लेकिन आपने किया, क्या था उस समय आपके दिमाग में? एक्चुअली मैं देख रहा था प्रधानमंत्री का भाषण, मैं देख रहा था, और उनके दिल में इतना गुस्सा था मेरे बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, और जो वो गुस्सा मेरी ओर फेंक रहे थे जी, उसको मैं पकड़ नहीं रहा था, तो जैसे जैसे गुस्सा फेंका मैंने गिरा दिया, गिरता जा रहा था। मेरे दिल में प्यार था जी, तो मैंने सोचा उन्होंने मुझे इतनी नफरत दी है, गिफ्ट दी है, मैंने गिफ्ट नहीं ली तो मैं भी उनको एक गिफ्ट दे देता हूँ। मैंने गिफ्ट दी, मैंने प्यार की गिफ्ट दी, मैं जाके गले मिला। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता जी, नरेंद्र मोदी जी एक विचारधारा है, एक सोच है, मैं उस सोच से लड़ता हूं और उस सोच को हम चुनाव में हराने जा रहे हैं।
मगर पर्सनली मेरा नरेंद्र मोदी से कोई भी उनसे कोई भी नफरत नहीं। एक बड़ी बात हुई थी जब न्याय योजना के बारे में निकलना है। एक आखिरी सवाल सर, जब न्याय योजना के बारे में पूछा गया कि राहुल जी एक न्याय योजना लेकर आए हैं जिसमें 72,000 रुपये सालाना गरीबों को दिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया न्यूज़ नेशन पे जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है और राहुल जी के पास टेप रिकॉर्डर है। आप क्या कहते हैं इसमें? मतलब टेप रिकॉर्डर, ट्रैक रिकॉर्ड, देखिए चुनाव हो रहा है, डिलीवर करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वो तो अरे भाई 23 तारीख को पता लग जाएगा ना क्या डिलीवर किया क्या नहीं डिलीवर किया। देखिए ये भी डिपेंड करता है आपने डिलीवर क्या किया। आपने नोटबंदी डिलीवर की, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया। आपने गब्बर सिंह टैक्स डिलीवर की, GST देनी थी वो नहीं थी, गब्बर सिंह टैक्स दे दिया। आपने जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, इकोनॉमी जो थी, उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। तो क्या डिलीवर किया वो भी बता दीजिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो नहीं डिलीवर किया, 15 लाख रुपए डिलीवर नहीं किए, किसानों को सही दाम नहीं डिलीवर किया, कर्जा माफ नहीं डिलीवर किया। अनिल अंबानी को जरूर 30,000 करोड़ रुपए डिलीवर किया, बहुत अच्छा किया, पकड़ लिया हमने, चौकीदार चोर पकड़ लिया। 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया, डिलीवर किया आपने उनके लिए। अरुण जेटली से विजय माल्या लंदन जाने से पहले मिला, डिलीवर किया आपने उसके लिए। मेहुल चौकसी को आप भाई कहते हैं, नीरव मोदी को आप भाई कहते हैं, अनिल अंबानी को आप भाई कहते हैं, इन भाइयों के लिए आपने डिलीवर किया पूरा का पूरा, कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।